हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू अभिषेक। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज आईक्यू अभिषेक में। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे, सर एक बार आप बना दीजिए वीडियो, मतलब ब्रांच से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसा पेपर आ रहा है, किस टाइप का पेपर आ रहा है, कट ऑफ क्या जाएगी और आपका क्या क्या उसमें जो भी आपकी डिफिकल्टी है उस वीडियो में आपकी थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा कि वो वीडियो मतलब आपकी जो डिफिकल्टीज है वो दूर हो जाए। और फ्रेंड्स, इसमें आप कई मतलब कई स्टूडेंट मुझसे ये भी कह रहे थे, सर क्या नाम है, आप ये बताइए कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, किस टाइप का मतलब है, हर ब्रांच का मतलब कौन कौन सी जो ब्रांचेस, मेरे से बहुत सारे ब्रांचेस के लड़के जुड़े हुए हैं, सब यही कह रहे हैं सर आप बता दीजिए मेटलर्जी का, आप प्रोडक्शन का, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बता दीजिए, मैकेनिकल का बता दीजिए, इलेक्ट्रिकल का बता दीजिए, आप माइनिंग का बता दीजिए। तो काफी सारे स्टूडेंट है जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर धीरे धीरे करके आप ये चीज बता दीजिए। तो एक एक का आपका डाउट मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, आप वीडियो को पूरा देखें और धीरे धीरे करके जो है मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और सबसे पहले जो है अपना मैकेनिकल का डिस्कस करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं मैकेनिकल का अपना स्टार्ट मतलब डिस्कस करता हूँ कि मैकेनिकल में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि मैकेनिकल के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का जो सेशन है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ और बाकी बेसिक जैसे कि आपका बॉयल्स, चार्ल्स, इन लॉ से जो क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आ रहे थे, मतलब ज्यादा मोर चांसेस था। बाकी जो सेक्टर जैसे आपका फ्लूड हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इनसे कम क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन जो अभी जो पेपर हुआ है कुछ दिन पहले, उस पेपर के अंदर बच्चे बता रहे हैं कि सर फ्लूड से कंप्रेसर वगैरह जो क्वेश्चन है, स्टूडेंट बता रहे कंप्रेसर से और इन सब से क्वेश्चंस का जो है वो ज्यादा बढ़ गया। मतलब अब वो है वो अप्लाइड पे चला गया है, पहले वो मेन थर्मोडायनेमिक्स पे था, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पे जो है पेपर सेट किया गया है। तो अब मे बी मेरे सबसे आगे मेरा मानना ये है कि प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं जो आगे मैकेनिकल के पेपर होने वाले हैं, उसके साथ साथ मे बी थर्मो भी, थर्मो तो देखिए थर्मो तो आना ही आना है क्योंकि थर्मो एक बहुत मेजर पोर्शन है, लेकिन आप प्रोडक्शन पे थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं और आपका फ्लूड का जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है उस पर फोकस कर सकते हैं। और बाकी इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग में भी बियरिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके बियरिंग के साथ साथ निडल बियरिंग का क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर एक, और आपके क्या नाम है, बियरिंग के साथ साथ आपके स्प्रिंग के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब स्प्रिंग के क्वेश्चन में भी हो सकता है वो सोम के हो या मे भी हो सकता है आपके आईओवाल में हो। बाकी करंट इंडस्ट्री टाइम के अंदर आप, मैं कल एक लड़के ने कही भी थी कि सर बना दीजिए 4.0 की वीडियो, तो वो बनाती है, उससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, बिग डाटा से भी क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर। और लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब वो टॉपिक मतलब आप समझ लीजिए इतने डीप है कि अगर आप उन्हें सही से मतलब कितना भी पढ़ लें वो आपका पेपर में किसी से नहीं होगा, 100% बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं कि कंपनी के बहुत बेसिक मतलब ऐसा पूछ ले रहे हैं कि सीमेंस कंपनी में किस टाइप का सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं मैकेनिकल में, ऑटोकैड में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं, देखिए ये क्वेश्चन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर के अंदर। इस क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्वेश्चन 100 में से 99 को नहीं आता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सब जो कठिन पेपर होता है वो सबके साथ होता है। आप लोग इसकी टेंशन बिल्कुल ना करें, आप अपना बस 100% दें पेपर के अंदर। मैकेनिकल वाले जो भी स्टूडेंट है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ रखा है बेस्ट, अगर आपका 100% पेपर के अंदर देंगे, 100% कहता हूं आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। और कट ऑफ की बात रहती है, देखिए मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, देखिए किसी को बुरा लगे अच्छा लगे मैं कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पेपर के अंदर कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट बैठे हैं, कितने अपीयर हुए, कितने ने पेपर दिया, कितने ने नहीं दिया। मैं कौन होता हूं कि आपको कट ऑफ को बता दूं, क्योंकि कट ऑफ जो एक ऐसी चीज होती है वो डिपेंड केवल चार स्टूडेंट से नहीं करती। अब मान लीजिए उस पेपर के अंदर 40,000 बैठे हैं तो मैंने सबका नहीं देख लिया कि, तो कट ऑफ क्या करेगी वो, तो आप कट ऑफ आप छोड़ दीजिए, कट ऑफ की चिंता करना कि कितनी जाएगी वो, आप अपनी मेन फोकस करिए उस पर कि कट ऑफ 70 जाएगी कि 80 जाएगी। अभी पता लगा मैं बता दूं आपको 70 और कट ऑफ चली जाए 90, अभी बताऊं 90 कट ऑफ चली जाए 40। तो ये मैं नहीं करता कि किसी भी तरीके का बच्चों को भ्रम पैदा करूं कि आप 70 ले आओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए कंपटीशन का जमाना है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी आप कट ऑफ की छोड़ दीजिए, कट ऑफ अपने भगवान पे छोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा। और बाकी नेक्स्ट ब्रांच जो आपकी इलेक्ट्रिकल वालों को लिए बताता हूँ, केबल से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 100% केबल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, और ट्रांसफार्मर के साथ साथ आपके डीसी मशीन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके डीसी मशीन के साथ साथ सिंक्रोनस मोटर से भी कल परसों वाले पेपर में क्वेश्चन आए हैं, और बेसिक जो आपके लॉज होते हैं उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। नॉर्टन थ्योरम से भी आ रहे हैं, और क्या नाम है, एक ने बताया था कि क्या आपका उससे जो आपका मेन टॉपिक है, और इलेक्ट्रिकल में जो आपका टॉपिक है मशीन से भी क्वेश्चन आया, जैसे मेजरमेंट से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, मेजरमेंट से भी क्वेश्चन आ रहा है, LVDT से क्वेश्चन आया है। तो इस टाइप के मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये देखिए मैं नहीं कह सकता आगे वाले पेपर में आए, क्योंकि पिछले पेपर में जो था आपका थ्योरम से ज्यादा पेपर आया था, लेकिन इस बार जो पेपर आया है वो आपका पेपर एक तरीके से कह सकते हैं इन पोर्शन पे ज्यादा मशीन्स वगैरह पे फोकस करा जा रहा है। और बाकी इतना कुछ इतना टफ नहीं आ रहा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके लिए मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेपर कोई इतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। और डिफिकल्ट पेपर सबके लिए होता है, केवल एक के लिए नहीं होता। और बात रही आपकी इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग से, तो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग के अंदर भी कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आपका नहीं बनना है,
बेसिक क्वेश्चन बनना, और जो डिफिकल्ट पेपर बनना है मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो ना आपसे लेगा ना वो किसी से लेने वाला है, तो वो चाहिए 10-15% पेपर में हर किसी में पेपर में टफ आता है, तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ एप्टीट्यूड भी बता दूं, पिछली वीडियो में एप्टीट्यूड नहीं बताया, एप्टीट्यूड बहुत बेसिक आ रहा है, देखिए एलसीएम एससीएफ से क्वेश्चन आ रहा है आपका, और आपका टाइम एंड डिस्टेंस से आ रहा है, टाइम एंड वर्क से आ रहा है, आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहा है, एरिया से क्वेश्चन कल वाले में आया था रेक्टेंगल से रिलेटेड, और एक में सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है। तो यही सब क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ रहे हैं, बहुत बेसिक आ रहे हैं, और बाकी एक आध क्वेश्चन टफ भी आ रहे हैं, उसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपने अच्छे से करा हुआ एप्टीट्यूड तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके मिक्सर से भी आ रहा है, मिक्सर है एलाइंगेशन से एक क्वेश्चन आया था, तो कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं है, अगर आपने करा होगा तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांच पे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांच में देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मैं पहले ही बता चुका हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से अब भी क्वेश्चन आया जेईएफटी से और आपके एफईटी से, आपका मॉसफेट से, इन्हीं से क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत बेसिक भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा उसमें, मतलब डायरेक्ट पूछ लेगा जेईएफटी या मॉसफेट के बारे में। और बाकी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एनपीएन पीएनपी से भी आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डायोड ट्रायोड ये डायोड वगैरह से भी आ रहे हैं क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे। और कुछ क्वेश्चन एक आध न्यूमेरिकल भी आ रहा है, जैसे कलेक्टर वगैरह बेस करंट वगैरह निकालने वाले न्यूमेरिकल बता रहे थे कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल आया था, तो बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आ रहा है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए, बस ये है कि आपको उस समय जो दो घंटे हैं उसमें अपना पूरा 100% देना है और एक्यूरेसी रखनी है। और पेपर देखिए अगर टफ भी आता है तो आप कोशिश ये करें कि अच्छे से अटेम्प्ट करें देखिए, और बाकी डिपेंड करता है आपका लक पे भी डिपेंड करता है कि कितना परसेंट आपका लक चलता है कि आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो आपके पेपर में पेपर फट जाए। बाकी इंडस्ट्रियल वॉल्टेड लर्निंग में आपका पीएलसी से एक दो क्वेश्चन बता रहे थे कि पीएलसी से भी आया था, बाकी जो आपका एसडीसीए और आपका इनसे जो है भी दो क्वेश्चन के आसपास बता रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। और बाकी आपके जो है करंट इंडस्ट्री टाइम में तो कॉमनी पेपर आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, कि क्रिप्टो करेंसी से, बिग डाटा से, इन सबसे ही क्वेश्चन जो है आपके आ रहे हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी आ रहे हैं, जैसे सीमेंस कंपनी में सॉफ्टवेयर वगैरह पूछ ले रहे हैं, और कई सारे तो ऐसे हैं जो पीएलसी के भी सॉफ्टवेयर, पता नहीं कौन कौन से प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर है जो आपको नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं तो बताता हूं इतना आप नहीं कर पाएंगे, सीधी सीधी बात आप इतना समझ लीजिए, इतना आप नहीं कर पाएंगे और वो कोई नहीं कर पाएगा, ऐसे क्वेश्चन तो कोई अटेम्प्ट करता भी नहीं है। आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 100 पे 100 ही कट ऑफ जाएगी, हो सकता है कि कट ऑफ कम भी चली जाए, मैं कभी नहीं कहता कि कट ऑफ 60 जाएगी, मैं कभी नहीं कहता कट ऑफ 80 जाएगी, कट ऑफ डिपेंड करेगी जितने स्टूडेंट बैठे हैं। बाकी मेटलर्जी वालों के लिए बता देता हूं, मेटलर्जी में भी कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, मेटलर्जी में आपका जो आपका मेन है फिजिकल मेटलर्जी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्ट्रक्चर से, मटेरियल साइंस से क्वेश्चन अच्छे, प्रोडक्शन से क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, और आपके बेसिक जो है टर्मोलॉजी है जैसे कि आपकी जो मतलब जैसे एफसीसी बीसीसी स्ट्रक्चर वगैरह इनसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और ज्यादा डिफिकल्टी क्वेश्चन नहीं है। और आपके इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग के अंदर भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके टूल्स वगैरह से ज्यादा आ रहे हैं, जैसे मशीन्स वगैरह से ज्यादा आ रहे हैं, जो आप लोग मशीन्स वगैरह पढ़ते हैं मेटलर्जी के अंदर, पार्टिकल टेस्टिंग वगैरह से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बाकी आपके माइनिंग वालों को भी बता देता हूँ, माइनिंग वालों में कोई इतना ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, माइनिंग वाले बेसिक जो जो उनके सब्जेक्ट है उनको ढंग से पढ़ लें उनका हो जाएगा, और माइनिंग में भी जो क्वेश्चन है बेसिक ही आ रहे हैं, आपको ये समझिए जियोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका अर्थ क्रस्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके माइनिंग मतलब स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थ स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी आपका जो आपकी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं माइनिंग से उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। और फ्रेंड्स ये सब जो डाटा मैं बता रहा हूँ ये डाटा कुछ मतलब स्टूडेंट्स की कलेक्शन से मुझे मिला है, जिन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा बताया तो मैंने उसको इलेबोरेट कर दिया कि इस तरीके से पेपर आपका आगे बन सकता है, मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता। देखिए पेपर आया था ऑनलाइन, उन्हें जितना याद रहा 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वो उनसे मैंने पूछ के कर लिए। बाकी आप लोग कह रहे थे बहुत मुझसे कह रहे थे सर एक वीडियो बना दी, वीडियो बना दो, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी ताकि आपके लिए किसी तरीके का कोई डाउट ना रहे। और बाकी मैथ के देखिए बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी आज मैथ का मैं टेस्ट भी करूंगा, आज मैथ का आपका टेस्ट होगा और मैथ के साथ साथ करंट इंडस्ट्री टाइम का भी आपका जो है टेस्ट होने वाला है आज, और आप उस लोग की टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए किस तरीके का पेपर आ रहा है, आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, अगर आपने मेहनत करी होगी तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये फ्रेंड्स मेरी एक वीडियो थी जिसमें मुझे आपको बताना था कि किस टाइप का पेपर आ रहा है, बाकी आप अपने लोग पूरी मेहनत रखिए। और बहुत से एक और इंपॉर्टेंट बताता हूँ, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बताना नहीं चाहते पेपर में उन्हें, मतलब मैंने कोशिश भी करी 2-3 से जानने की, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बताया ही नहीं मुझे पेपर में क्या आ रहा है, मतलब क्या आने वाला है या किस तरीके का, डिस्कस नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है शायद कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर हम बता देंगे आगे वालों को फायदा मिल जाएगा। तो ये गलत फहमी आप अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि अगर आप पेपर बता देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन कभी भी नहीं बढ़ता, कंपटीशन उसी का निकलता है जिसने बहुत मेहनत करी होती शुरू से, जो 4 क्वेश्चन पढ़ के चला जाएगा तो उसे इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाएगा वहां पे। तो इसकी टेंशन ना लीजिए कि आपकी 4 पेपर बता देंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप बता दिया करें, फ्रेंड्स वगैरह में अपने क्वेश्चन शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोग के थ्रू मुझे जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल पाती है जो मैं पहुंचा पाता हूं। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ जब आपका टेस्ट होगा, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।